इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, कांग्रेस एनसी अलायंस जो है वो अब एक तरह से पूरा हो चुका है, जिसमें पेश थे वो अब खत्म हो चुके हैं। डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा करते हुए इनको इम्पॉर्टेंट सीट जो है पाडर की, नागसिनी की सीट है, वहां से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और अलायंस की तरफ से है मैंडेट दिया है। अगर हम बात करें पूजा जी के सामने अगर कोई है, वो मिनिस्टर रहे हैं, पावरफुल बीजेपी के लीडर हैं सुनील शर्मा, उनके साथ जो है इनकी डायरेक्ट फाइट है, जबकि इनके मुकाबले में वहाँ पर पीडीपी और बीएसपी और बाकी कुछ कैंडिडेट्स भी जो है वो सामने आए हैं। आप कल ही पता चलेगा नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद कि कितने लोग जो है वो कंटेस्ट में होंगे। अभी पूजा जी ने पार्टी में कदम भी नहीं रखा, अपोजिशन ने जो है वो इनको टारगेट करना शुरू किया कि ये वहाँ की लोकल नहीं है। हम पूजा जी से सवाल पूछेंगे कि वो कैंडिडेट तो बनी है लेकिन वो लोगों के लिए क्या करेंगी ताकि उनको जो है वो लोग वोट देंगे। पूजा जी आपका स्वागत है, थैंक यू। क्यों आपको लोग वोट देंगे, मेरा पहला सवाल यही है। आप नहीं, उससे पहले मैं आपको एक जवाब देना चाहूंगी। आपने अभी लोकल की बात की, तो मैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ, मैं किश्तवाड़ की ही बेटी हूँ और पार्टी भी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ही है, तो पूरा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ ही लोकल है। तो मुझे नहीं लगता कि जो अपोजिशन है वो ये कहकर मुझे ये कहे कि लोकल नहीं है, मैं यहीं की हूँ, भारत देश की ही हूँ, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ। और जो आपने कहा कि लोग क्यों आपको देख के वोट दें, तो सबसे पहले मैं आपके चैनल से अपनी पूरी तंजीम का, जो हमारे प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, वाइस प्रेसिडेंट उमर साहब, हमारे सजाद साहब, तनवीर साहब, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और हमारे जितने नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं, चाहे वो किश्तवाड़ से हैं, इंदरवाल से हैं या पाडर से हैं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और पूरी उम्मीद जताई कि मैं जो हूँ वहाँ लड़ने के काबिल हूँ और मैं लड़ सकती हूँ और मैं जीत भी सकती हूँ। और जहाँ आपने कहा कि लोग क्यों आपको वोट करें, देखिए सबसे पहले तो आपने जो ये 10 साल का एक बहुत बड़ा जो लंबा गैप था हमारे जम्मू कश्मीर में, जहाँ इलेक्शंस नहीं थे, लोग जो थे ब्यूरोक्रेसी में इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे कि कुछ नहीं समझ आती थी लोगों को, क्योंकि 4 साल से मैं भी एज ए चेयरपर्सन जो हूँ कुर्सी पर हूँ और मैंने देखा है कि लोग हर चीज़ के लिए जो है कितनी भी जद्दोजहद करते हैं और फिर भी जाकर जो है उनके काम नहीं बनते हैं। तो एक तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अभी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि देर से ही सही बड़े इलेक्शन हो रहे हैं और लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलेगा। और इस बार लोग ये नहीं देखेंगे कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ये देखेंगे कि हमारा जो लीडर है वो क्या हमारी मुश्किलें आसान कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर मैं ये बात कहूं कि लोग मुझे क्यों वोट दें, तो मैं बताना चाहूंगी मैंने 4 साल में जितनी जद्दोजहद डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के यूथ्स के लिए की है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी ने आज तक की थी। मैं धरनों पर बैठी हूँ अपने नौजवानों के लिए, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई की अपने नौजवानों के लिए, मैंने हर एक चीज़ पे लड़ाई की, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम था या बाकी चीज़ें थी। और मुझे लगता है एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है इस चीज़ को ज़रूर देखेगा कि हमारे लिए बात कौन कर सकता है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं कि लोग मुझे क्यों वोट कर रहे हैं। देखिए हम बात करेंगे, आपने बात की कि लोग इस बार हिंदू और मुस्लिम को नहीं देखेंगे। अगर हम पाडर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की करें, जो डिलिमिटेशन कमीशन हुआ, लकीरें सिर्फ इसलिए खींची गई कि वो हिंदू डोमिनेटेड सीट बने, यानी कि अगर पाटन में 40,000 का वोट है उसमें 3,500 से 4,000 के करीब वोट जो है वो हिंदू वोट ज्यादा है। तो और आपका जो एरिया है वो पावर प्रोजेक्ट्स का हब है, हम उस पर भी जो है वो बात करेंगे। हमने देखा कि आप, जैसे आपने बताया कि धरने पे बैठे, हम भी उस चीज़ के गवाह है, आपने लोगों के लिए रोया भी और वो हमने विजुअल्स भी देखे, जब आप इमोशनल हुई ऊपर डिविजनल कमिश्नर और एडीजीपी के साथ मीटिंग में, एक स्ट्राइक चल रही थी यहाँ के नौजवानों को अब्जार्व करने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है ये सब चीज़ें जो है वो आज की सियासत में जो है वो अहमियत रखते हैं, जबकि लकीरें जो है वो कम्युनल बेसिस पे खींची जा रही है, वोट डिविजन्स पर खींची जा रही है? देखिए पहले शायद ऐसा होता होगा कि कम्युनल डिविजन्स पे लोग वोटिंग करते होंगे,
कि अगर ये मेरे धर्म का है तो मैं इसी को वोट करूंगा, या ये मेरे धर्म से नहीं है तो मैं इनको वोट ना करूं। बट आज ऐसा कुछ नहीं है। जो लोगों ने इन 10 सालों में देखा, तो मुझे लगता है लोगों ने ये बिल्कुल महसूस किया होगा कि हम लोगों को एक वो कैंडिडेट उठाना चाहिए जो उनकी बात जो है आगे रख सके। देखिए, मैं अगर बात करूँ अपोजिशन की, 10 साल का लंबे समय इनके पास था। सेंटर में भी इनकी सरकार थी, जो यहाँ पे हमारे यूटी में जो एलजी बिठाए हुए हैं वो भी इन्हीं के थे। बट हम अगर देखें तो हमारे जो, मैं अपनी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करूँ, पूरे जम्मू कश्मीर की बात मैं नहीं करूँगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ना ही तो कोई ऐसा सिंगल अदारा खोला गया जिससे कि लोग बहुत खुश हों कि भाई नई कुछ अचीवमेंट हुई है, ना ही कुछ नया हमें दिया गया। इवन कि जो दिए गए अदारे थे उनमें भी जो है, आप देखें अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो क्या हालत है वहाँ पे, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने चाहिए वहाँ पे सीएसएफ ने अपना पूरा अड्डा बना के रखा है। आप अगर बात करें, मैं पाडर की ही बात कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है अपोजिशन अब कहेगी हमने कॉलेज दिया, हमने ITI दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया। बिल्डिंग बनाने से एजुकेशन नहीं आती है। बिल्डिंग के अंदर स्टाफ होना चाहिए, बिल्डिंग के अंदर जो है वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि जो बच्चों को है वहाँ के जो लोकल बच्चे जो कि कॉलेज करना चाहते हैं, जब वहाँ पे सब्जेक्ट्स नहीं है, आपका स्टाफ नहीं है, तो वैसी बिल्डिंग्स का इनॉग्रेशन करके मुझे लगता है ये एक तो वेस्टेज ऑफ मनी है गवर्नमेंट का, और दूसरा उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ ये झूठे वादे किए जाते हैं हम आपके लिए ये लाएंगे वो लाएंगे, और बाद में जो है सिर्फ अपना नाम दिखाने के लिए कि हमने लाए, बट अंदर वैसा कुछ नहीं है। आज भी बच्चे वहाँ से उठ उठ के जो है यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, जम्मू पढ़ने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को इन चीज़ों के ऊपर बेवकूफ़ बनाना, अब लोग जो है समझ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझे हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ, जैसे कि आपने कहा कि वो जो एरिया है पाडर का जिसमें डूल नागसेनी भी है, वहाँ पे हब है प्रोजेक्ट्स, बट बहुत दुख की बात है कि जितने भी नौजवानों से मैं मिली हूँ उनका सिर्फ एक यही था कि हम लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं दिया गया है। चिट्ठियों के दम पे यहाँ पे रोजगार दिया गया, एक ही को जो है अमीर बनाते गए ये लोग, और जो गरीब जिसको सिर्फ दाल फुलके खाने के लिए मजदूरी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है अगर हम एक किताब लिखें तो बहुत, आप कहें कि अच्छी किताब बन सकती है ऑपोजिशन पे कि इन लोगों ने किया क्या। ठीक है, आप कह रहे हैं मिनिस्टर हैं ये है वो है, तो देखिए बताया साहब कि 10,000 लोगों को लगाया है। सर आप 10,000 लोग कंट्रैक्ट, मतलब जो कंट्रैक्टर्स हैं मजदूरी करा रहे हैं वो लोग, कंपनी पेरोल पे कितने लोग लगे हैं? आप जरा खुद, आप एक मीडिया पर्सन है और आपकी जो रिपोर्टिंग है कभी गलत नहीं होती, हमें भी पिछले दिनों तो आप खुद देख लीजिए कि 10,000 कहाँ पर है। मतलब हम लोगों में नहीं, 4 साल में पूरे जितने भी कंपनीज हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, कितने एम्प्लॉयज इन्होंने जो है लेबर्स लगाए हैं और ठेकेदारों के साथ लगाए हैं, कितने इनके कंपनी पेरोल पे हैं, वो सारा डाटा हमने कलेक्ट किया है। 10,000 तो बहुत दूर की बात है, अगर ये 5,000 भी टच कर लेते हैं तो वो भी मुझे लगता है गनीमत होगी। यानी कि ये एक झूठ है बिल्कुल, ये तो सामने देखे ना, कुछ छुपा थोड़ी है। आप जाएं देखिए कंपनीज में, आपको तो पूरा, आप उन्हें बताएं कि आप दे दीजिए हमें एम्प्लॉयमेंट का लिस्ट, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। वो नहीं देते हैं। आपको मेरे पास है क्योंकि मैंने उनसे मांगी थी, अगर मुझे कोई बोलेगा दिखाने के लिए मैं उनको दिखा सकती, मेरे पास तो सब है। देखिए लोगों के साथ जो झूठे वादे किए गए, हम मैंने जैसे पहले भी कई बार कहा है कि हम लोग जो यहाँ आए हैं एज ए यू नो न्यू फेज बन के आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इन 4 सालों में ऐसा कभी हुआ होगा कि हम लोग कोई आराम से हमने कोई अपना काम किया हो स्मूथली अपना काम, ऐसा नहीं है। लड़ झगड़ के प्रोटेस्ट करके हम लोगों ने अपना हक जो है मनवाया है, आधा तो आप कहें कि कुछ माने भी नहीं गए और कुछ ना कुछ हल हुए हैं। तो मैं कहूंगी कि एक बहुत बड़ा लोगों के साथ जो है धोखा है, और आपके माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करूंगी कि आप ये छोड़ दें कि जैसे राजनीति पहले होती थी कि भाई देखो हिंदू खतरे में है, अब हिंदू कोई खतरे में नहीं है, इनकी कुर्सियां खतरे में होती थी इसलिए आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था, इसीलिए ये लकीरें खींची गई कि हम अपना वोट यहाँ पे जो है डाइवर्ट कर ले ताकि हम आराम से जीत पाए। और मैं पाडर की जनता जो है बहुत ही समझदार है, और मैं पाडर नागसेनी के लोगों से अपील करूंगी कि अपना भविष्य
सुधारने के लिए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक बार मुझे मौका दिया जाए एज ए यंग लीडर, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको कभी अफसोस नहीं होगा कि आपने मुझे वोट किया। अब पूजा, अगर हम देखें 4 साल पहले आप कहीं भी नहीं थी जी, लेकिन 4 सालों में आपने इतना सफर किया कि पार्टी ने सैकड़ों वर्करों को छोड़कर आपको मैंडेट दिया है, और आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप हैरान हैं या आपको पता था कि मेरे में इतनी काबिलियत है? जब आप अपने घर से निकली थी तो आपको अंदाजा था कि आप DDC बनेंगी और आज आपको मैंडेट मिलेगा पार्टी ने जो आपकी कार्यकर्ता? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दक्षिण के लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे DDC मेंबर का जो चुनाव था उसमें जिताया। उसके बाद मैं अपने DDC मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे DDC चेयरपर्सन बनाया, और मेरे से बेहतरीन लोग जो हैं इस पार्टी में हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं इसीलिए हैरान हूँ कि पार्टी ने क्या देखा मुझ में कि मुझे जो है पार्डर जैसी जगह से जो है टिकट दिया गया, और इसके लिए मैंने तहे दिल से मैं अपनी पूरी तंजीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, चाहे वो श्रीनगर की तंजीम है, किश्तवाड़ की तंजीम है, सबका, कि उन लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ। और अब मैं लोगों से अपील करना चाहूँगी कि वो मुझे वोट दे के कामयाब बनाए ताकि मैं उनकी खिदमत कर सकूँ। इसके अलावा आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आपने यूनिवर्सिटी की बात की, जो एम्प्लॉयमेंट से उनके लिए लड़ने की बात की है, इसके अलावा अगर हम पाडर की तरफ देखें कि पाडर एक बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, वहाँ पर काफ़ी एवेन्यूज़ हैं, वहाँ पर सफायर माइंस हैं, वहाँ पर मचेल माता का मंदिर है, वहाँ पर जो है वो चिट्टू यात्रा होती है, टूरिज्म पर काम करने की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है वो एक तकरीर में जिक्र कर रही थी कि किस तरह से एक मकान को जो है वो वहाँ पर गिराया, तो आप इस बारे में कुछ बताएंगी कि आपका क्या उससे इरादा था? देखिए, सबसे पहले तो आप कमेंट कर रहे हैं, जैसे भी आपको भी पता कि एक पार्टी की तरफ से एक मैनिफेस्टो जो है वो बनाया गया, जो कि बेहतरीन मैनिफेस्टो, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मैनिफेस्टो कोई बना सकता है, जिसमें कि कुछ जो मेजर चीज़ है, अगर हम अपने गांव के लोगों की बात करें, 12 सिलेंडर साल में मिलना, 200 यूनिट बिजली फ्री, पेंशन्स जो हैं चाहे वो ओल्ड एज है, विडो है, 1 से 3 हज़ार करना, राशन का बढ़ना, मतलब ये सारी चीज़ें जो मैनिफेस्टो में ऑलरेडी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब बनेंगे वो इस पे ज़रूर काम करें। बट जो हमारा एक अपना लोकल मुद्दा जो हमेशा से ही रहेगा, जैसे कि हमारा एजुकेशन का रहेगा, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ का रहेगा, हमारे दूर दराज के एरियाज हैं जहाँ पे अभी तक रोड नहीं है, बिजली नहीं है, वैसे मुद्दे रहेंगे। हमारे यहाँ इतने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हम चाहेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को फ्री लाइट मिले, और जैसे कि आपने कहा कुछ महीने पहले कैसे जो गुलाबगढ़ था उसमें लोगों के मकान को तोड़ा गया, तो ये चीज़ें हमारे लोकल मैनिफेस्टो में ज़रूर रहेंगे, और जब भी हम जीत के निकलेंगे वहाँ से ये जो मुद्दे हैं ये मेरे लिए प्रायोरिटी रहेंगे, और इस पर काम करना जो है मेरा फ़र्ज़ भी है, क्योंकि मैं जो हूँ लोगों के सामने अपने आप को इन 5 सालों में ऐसा रिप्रेजेंट करना चाहूंगी कि 5 साल के बाद लोग मुझे खुद कहें कि हमें पूजा ठाकुर वापस चाहिए। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मुझे दर्द है, क्योंकि मैं भी एक गांव से हूँ, मुझे पता है कि गांव की तकलीफें क्या होती हैं, किस तरह से लोग वहाँ पे अपना जीवन जीते हैं। मैं जितना कर सकूंगी उतना करूंगी और अपना बेस्ट देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। आपने मैनिफेस्टो की बात की, बीजेपी के हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब बोलते हैं कि आपका जो मैनिफेस्टो वो एंटी नेशनल है, तो क्या आप वाकई जो है वो एंटी नेशनल है? वो तो 370 को भी गलत मानते थे, 35 ए भी वो लोग गलत मानते थे, और उन लोगों ने जब उसको तोड़ा तो कहा कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली आएगी। कौन सी खुशहाली हमारे लोगों ने देखी? आप अगर सर्वे करें तो कितनी एम्प्लॉयमेंट हमारे बच्चों को दी गई, आप देखें कि रिहावरे जंगलात, होम गार्ड्स का तांता लगा हुआ, BDC SPO के 10 बार इन लोगों ने जो है ढोल बजाए, पर बेचारे वहाँ के वहाँ हमारे डेली वेजेस जो हैं वो वैसे के वैसे। तो मतलब ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, अभी इलेक्शन आने दीजिए, बड़े बड़े दिग्गजों को जो है उतारेंगे, चाहे वो मोदी जी से लेके इनके अमित शाह जी से लेके राजनाथ जी, जो भी इनके बड़े बड़े नेता हैं वो आएंगे, बड़ी बड़ी तकरीरें करेंगे, पर जो मुझे लगता है लोगों को सूझबूझ से अब काम लेना है ना, लोगों को ये देखना है कि मोदी जी कह रहे हैं कि हर घर
मैं खुशहाली लाऊंगा हर, उन्होंने बहुत कुछ बोला था, बट ये हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में लोग पानी की बूंद के लिए भी अभी तक तरस रहे हैं। उन्होंने जबकि ये कहा था कि मैं इतना पानी लाऊंगा कि अब्दुल्ला की गाड़ी बह जाएगी, तो इनकी ये सिर्फ, जबकि मुझे लगता कहीं अमित शाह जी ने खुद भी कहा था ये हम जुमले बोलते हैं इलेक्शंस में, तो इनके वही जुमले रहेंगे बट हकीकत में कोई काम नहीं होंगे इनके। तो इसीलिए मैं अपील करना चाहूँगी हर एक, मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के वोटर्स से अपील करूँगी कि वोट दें, उस कैंडिडेट को दें जो आपके लिए कुछ करे, उसके लिए नहीं जो सिर्फ ये कहे कि हम मतलब सपने दिखाएं, जैसे कि इन लोगों ने दिखाया कि हम जब आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, बट हुआ कुछ नहीं, जो जैसा था वैसा ही है, ना तो कुछ बड़ा है और ना बढ़ेगा। और हमारी सरकार आएगी, आप देखिए उन 10 सालों में और इन 5 सालों में कितना डिफरेंस रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर पिक्चर है लोगों के सामने, और जिस तरह की वेव चल रही है तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 50 से ऊपर सीटें जरूर लेगा और चीफ मिनिस्टर हमारा ही आएगा। यानी कि आप सुनील शर्मा को एज ए स्ट्रांग कंटेंडर अपने अगेंस्ट नहीं मानती है? देखिए सब स्ट्रांग होते हैं, आप किसी को यू नो ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है आपके सामने, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी। हमेशा आप जिसके साथ भी फाइट करें उसको जो है स्ट्रांग ही मान के चलें, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि वो स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रांग तो ऑब्वियसली है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, वो एक्स मिनिस्टर रह चुके, बट एज ए न्यू फेस, एज ए न्यू कमर, और चूंकि 4 साल मैंने चेयरपर्सन के भी अपने दिए हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, लोगों ने मेरे काम को देखा है, तो मुझे लगता है कि लोग उस चीज को जरूर देखेंगे और एक नए फेस को जो है जरूर जो है वो लोग वोट करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, आगे भी जो है वो हम आपसे बात करेंगे। आपने 370 की बात की, अगर खुशहाली की बात की जो बीजेपी ने कहा था, मैं आपके इस मसले में एक ही बात ऐड करूंगा, अगर हम देखें जो सेंट्रल वेजेस एक्ट है वो आज तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, और ख़ासतौर पर हमारे पावर प्रोजेक्ट्स में, जहां पर एक मजदूर को जो है वो जो बाहर से हमारे यहां काम करने वाले आते हैं उससे भी जो है वो कम दिया जा रहे हैं, 311 रुपये जो है वो दिए जा रहे हैं। उसके लिए भी हमने बहुत फाइट की सेंट्रल वेजेस के लिए भी, इवन की अभी पिछले दिनों भी यूनियंस ने कुछ किया था उसके लिए, बट शायद उनका हो, बट हम उसके लिए भी, हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर जो है उसके लिए भी फाइट करेंगे। और मैंने वैसे भी लोगों से वादा किया है कि आपके हर एक मसले को जो असेंबली में जो जोरों शोरों से उठाया जाएगा, अगर हमें दिल्ली भी प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ी हम वहां तक भी पहुंचेंगे। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आप हमें सपोर्ट करें, हमें वोट करें, बाकी आप देखें कि अगले 5 साल जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ करेंगे, हमारे जम्मू कश्मीर करेंगे, बहुत बेहतरीन रहेंगे। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें, हम आगे भी जो है पॉलिटिकल लीडर्स के रिएक्शन और इंटरव्यूज लेंगे और आपको दिखाएंगे। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।